की जाति का लाल, जंगल का दुलाल। मेरा भाई मेरा यार, गोंड का अहंकार, कुमुरम भीम। मैं हर चीज दोबारा कर लूंगा, हर जगह दोबारा चल लूंगा, हर गलती दोबारा कर लूंगा, हर लड़ाई दोबारा लड़ लूंगा, दोबारा मना लूंगा, दोबारा हर सॉन्ग चुन लूंगा, दोबारा पटने भी सोच लूंगा, हर झूठ दोबारा बोल लूंगा। ट्रिपल आर बाहुबली से बड़ी फिल्म क्यों है और ट्रिपल आर की रिलीजिंग डेट कब है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज के फिल्मी खजाने में। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। बहु प्रतीक्षित पैन इंडिया मल्टी स्टारर फिल्म ट्रिपल आर दशहरा के अवसर पर 13 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में रिलीज होगी। ट्रिपल आर एक पीरियड ड्रामा मूवी है जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों कोमाराम भीम और अल्लूरी सीतारामा राजू के युवा दिनों का एक काल्पनिक वर्णन किया गया है। इसके बारे में बात करते हुए निर्माता डीवीवी दान्या ने कहा, हम ट्रिपल आर की शूटिंग शेड्यूल के अंत के करीब पहुंच गए हैं और इस फिल्म को दर्शकों के सामने लाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। हम दर्शकों के साथ सिनेमा घरों में दशहरा जैसे बड़े उत्सव मनाने के लिए बेहद उत्साहित हैं। ट्रिपल आर एक अखिल भारतीय फिल्म है जिसे डीवीवी दान्या द्वारा डीवीवी एंटरटेनमेंट्स बैनर के तले बनाया गया है और तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और कई अन्य भारतीय भाषाओं में रिलीज के लिए तैयार है। जूनियर एनटीआर फिल्म में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू का किरदार निभा रहे हैं। अल्लूरी सीतारामा राजू का जन्म 1897 में विशाखापट्टनम में हुआ था। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने साधु का रूप ले लिया था। उन्होंने मुंबई, वडोदरा, बनारस, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, असम, बंगाल और नेपाल तक की यात्रा की थी। सीतारामा राजू ने कुछ वक्त बाद गांधी जी के विचारों को छोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। वो धनुषबाण लेकर अंग्रेजों से भिड़ गए थे और माना जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी लगता है कि ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। एक शोला है दहकती आग का, थार जैसी नंगी तलवार का।